हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप देखेंगे। यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है, एक फॉर लूप के अंदर जब आप दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल कर दें तो उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, या फॉर लूप का नेस्टिंग करना कहते हैं। इसका सिंपल सिंटेक्स देख लीजिए। इसका सिंटेक्स है, फॉर इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, देन टेस्ट कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये आउटर फॉर लूप कहलाता है। इसके अंदर आप एक और फॉर लूप लिखते हैं जिसे इनर फॉर लूप कहते हैं। इसमें भी सेम सिंटेक्स लिखा जाता है, यानी कि फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन आउटर फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जो ये आउटर में दिखाई देता है इसे आउटर फॉर लूप कहते हैं, जो अंदर में दिखाई दे रहा है इसे इनर फॉर लूप कहते हैं। इस फॉर लूप का ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब इस फॉर लूप का, सिर्फ इसके अंदर जो होगा उसको आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ आपने लिखा हुआ है, ये इस फॉर लूप के नीचे यानी कि यहाँ पर भी हो सकता है, इस कर्ली के ऊपर और इस कर्ली के नीचे यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, सो ये सिंपल सा था। और जो इसकी फॉर लूप की जो वेराइटीज़ हैं उनका भी आप इस तरीके से नेस्टिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको सिंपल एक आइडिया दे देता हूँ कि फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग वैराइटीज़ के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, आपका सही तरीके से काम करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मैंने ये फॉर लूप लिखा हुआ है, ये आउटर फॉर लूप है हमारा। आई का वैल्यू मैंने 0 दिया हुआ है, इनिशलाइज किया हुआ है, और आई लेस देन 3 कंडीशन लिखा हुआ है, देन आई प्लस प्लस मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कर्ली ब्रेकेट ओपन, इसके अंदर मैंने इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, यानी कि आई का वैल्यू हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। देन इनर फॉर लूप यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसका मैंने इनिशियलाइजेशन किया है जे से, जे इक्वल 0, और मैंने कंडीशन दिया है जे लेस देन 5, देन जे प्लस प्लस, और इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि जे का वैल्यू डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का कर्ली ब्रैकेट बंद, देन आउटर फॉर लूप का भी कर्ली ब्रैकेट बंद। तो चलिए इसको कोड में देखते हैं प्रॉपर रन करके कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से हमें डिस्प्ले करके क्या दिखाता है। कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, सो HTML का कोड है ये, और यहाँ से हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो फोर आई इक्वल 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक मैंने यहाँ HTML का टैग लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, जो कि बोल्ड करके आपको दिखाएगा ये वाला टेक्स्ट, और यहाँ से हमारा आई का वैल्यू डिस्प्ले होगा, और इससे हमारा एक लाइन ब्रेक। आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग लाइन में लिखने के बजाय एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, लेकिन ये मैं तीनों अलग अलग में ही लिख के रखूँगा, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं रहता है, मतलब स्क्रीन में जगह नहीं रहता। देखिए, इसको आप चाहें तो इस तरीके से एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ कि किस तरीके से आप एक लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ से करते हैं, जैसे कि आउटर फॉर लूप दिखेगा यहाँ, उसके बाद आप इसको कॉन्केट कर दीजिए आई, इसका फिर से कॉन्केट कर दीजिए ये br का टैग। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग लिखने के बजाय आप सिंपली एक ये वाला लाइन में लिखेंगे तो आपका कोड सही तरीके से काम करेगा, और जो आउटपुट आपको ये तीनों देगा वही आउटपुट आपको ये एक लाइन भी देगा। प्लस का यहाँ मतलब होता है इसको आप इसको और इसको आप कॉन्केट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं यहाँ से, अभी फिलहाल के लिए इतना ही लॉन्ग प्रोसेस में रहते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, उसके बाद ये इनर फॉर लूप है हमारा, इसे मैंने जे को इनिशियलाइज किया है 0 से, जे लेस देन 5 कंडीशन है हमारा, जे प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर भी सेम कोड है जो हम लोगों ने यहाँ लिखा, बस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इनर लूप लिखा हुआ है, और यहाँ जे का वैल्यू प्रिंट होगा, और यहाँ मैंने लाइन ब्रेक लिखा हुआ। देखिए, ये लिखने से क्या होगा कि जब भी ये रन करेगा और ये रन करेगा, तो जैसे बात है ये रन करेगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आउटर लूप रन कर रहा है। जब ये रन करेगा तो आपको दिखाई देगा कि ये इनर लूप रन कर रहा है, तो आपको टेक्स्ट एक्चुअली में दिखेगा सामने कि कौन सा लूप रन कर रहा है। आउटर रन करेगा तो ये दिखाई देगा, इनर रन करेगा तो ये इनर लूप आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, और साथ में वैल्यू दिखाई देगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा लूप कितनी बार रन हो रहा है और कहाँ रन हो रहा है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के बाद सबसे पहले आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका एग्जीक्यूशन भी समझेंगे। रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, आउटर फॉर लूप रन किया पहली बार, यहाँ 0 ले चलेगा बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 0, लेकिन हमारी भाषा में जो हम लोग आम भाषा में 0 से काउंट नहीं करते हैं, 1 से करते हैं। तो ये पहली बार रन कर रहा है,
उसके बाद इनर फॉर लूप 5 बार रन करेगा, फिर दूसरी बार आउटर फॉर लूप, फिर इसके बाद इनर फॉर लूप 5 बार, फिर तीसरी बार आउटर फॉर लूप, फिर इनर फॉर लूप 5 टाइम्स। तो ये इस तरीके से काम करता है नेस्टेड फॉर लूप। कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार यहाँ से। बस आउटपुट को ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या है, या फिर उसको आप लिख के रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। देखिए जब पहली बार ये रन करता है तो ये इनिशियलाइज होता है, आई इनिशियलाइज हो गया 0, यानी कि आई का वैल्यू क्या है 0। कंडीशन चेक होगा कि 0 लेस देन 3, कि ये कंडीशन ट्रू है। जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है इसकी, इसलिए आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो आउटर फॉर लूप आपको, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ OL, यानी कि आउटर फॉर लूप आपको दिखाई देता है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है तो आई का वैल्यू कितना है 0, तो आपको यहाँ 0 दिखाई देता है। फिर ये एग्जीक्यूट होता है तो आपको एक न्यू लाइन मिल जाता है यहाँ से। फिर ये एग्जीक्यूट होता है तो ये भी एक फॉर लूप है, तो जिस तरीके से ये काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करेगा। ये सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा जे का वैल्यू 0, यानी कि जे 0 हो गया। ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 0 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है। जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए अब आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर का जब जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले ये, तो ये कहता है इनर फॉर लूप। तो यहाँ आपको IL यानी कि इनर फॉर लूप, इनर लूप ठीक है, इनर लूप IL मतलब इनर लूप, ये स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होता है तो जे का वैल्यू जो कि अभी 0 है आपको यहाँ 0 दिखाई देता है। फिर ये इससे न्यू लाइन बनता है यहाँ, और ये लूप फिर से यही अभी इनर फॉर लूप फिर से रन करेगा, बिकॉज ये इनर फॉर लूप तब तक रन करेगा जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहेगा। सो इनर फॉर लूप फिर से रन होने के लिए जा रहा है, तो फिर से रन होने से पहले ये अपने इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रन करेगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर रन होता है तो जे का वैल्यू जो कि पहले 0 था अब इंक्रीज होकर यहाँ 1 हो जाता है। ये लूप फिर से रन कर रहा है यहाँ से, ये लूप जो है फिर से रन कर रहा है यहाँ। जब ये फिर से रन कर रहा है तो ये इस इनिशियलाइजेशन को नहीं देखेगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही देखा जाता है। अब डायरेक्ट ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। तो कंडीशन को चेक करता है 1 लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है। जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए फिर से इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और जब ये एग्जीक्यूट होता है तो IL, और ये जब एग्जीक्यूट होता है तो आई जे का करंट वैल्यू, जे का करंट वैल्यू कितना है 1, तो 1, और ये जब एग्जीक्यूट होगा तो न्यू लाइन। ये लूप फिर से रन हो उससे पहले फिर से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर रन करता है, और जे का वैल्यू, सॉरी अगर मैं कभी कभी इसको आई बोल दूँ तो ठीक है, ये जे है एक्चुअली में, जे का वैल्यू जो कि 1 था अब इंक्रीज होकर 2 हो जाता है। फिर से लूप रन होता है 2 लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको IL2 दिखाई देता है। उस तरीके से फिर से इंक्रीज होता है, फिर से ये यहाँ से 2 से 3 हो जाता है, ये रन होगा, IL3 दिखेगा, फिर से इंक्रीज होगा, फिर से ये रन करेगा, ये 3 से हो जाएगा 4, और आपको IL4 दिखेगा। फिर से इंक्रीज होगा, जब ये फिर से इंक्रीज होगा तो ये 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। और ये कंडीशन जब चेक करेगा तो ये देखेगा कि 5 लेस देन 5 है, नहीं ये कंडीशन चूंकि फॉल्स हो गया इसलिए इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये यहाँ चला आएगा, यानी कि फिर से ये कमांड आउटर फॉर लूप के पास ट्रांसफर होगा। लेकिन आउटर फॉर लूप में जाने से पहले आउटर फॉर लूप का ये इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है ये रन करेगा। जब ये रन करेगा तो यहाँ जो आई का वैल्यू 0 है ये बाय 1 इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कंडीशन फिर से चेक करेगा, ये अब इस इनिशियलाइजेशन सेकेंड टाइम, ये फॉर लूप सेकेंड टाइम रन हो रहा है तो ये इनिशियलाइजेशन को चेक नहीं करेगा बल्कि कंडीशन डायरेक्ट चेक करेगा। तो कंडीशन चेक करता है कि 1 लेस देन 3 है, जी हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा OL यानी कि आउटर लूप। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा तो आई का करंट वैल्यू जो कि 1 है, तो OL1, फिर ये इससे न्यू लाइन मिलेगा और ये फॉर लूप फिर से रन करेगा। फिर से जब ये रन करेगा तो ये फिर से इनिशियलाइज करेगा वापस से जे का वैल्यू कितना 0, फिर यहाँ चेक होगा 0 लेस देन 5 है, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले ये, तब को मिल जाएगा IL, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा तो जे का करंट वैल्यू 0, तो यहाँ आपको 0 मिलेगा। फिर ये तो एक न्यू लाइन,
ये लूप फिर से रन करे, रन करने से पहले ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रन करेगा जिससे कि जीरो से ये हो जाएगा वन। ये लूप फिर से चलेगा, कंडीशन चेक होगा ट्रू है तो फिर से यहाँ यही रिपीट होगा, यानी कि आई एल वन, आई एल टू, फिर आई एल थ्री और आई एल फोर। ठीक है, वापस से जब रन करेगा तो आई का वैल्यू मिलेगा इसको फाइव, कंडीशन फॉल्स, ये बंद। फिर से आउटर फोर लूप में, आउटर फोर में जाने से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ ये वन से हो जाएगा टू आई का वैल्यू, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ओ एल मिलेगा आपको टू, आई का वैल्यू करंट वैल्यू कितना है टू, तो टू मिलेगा। और फिर से एक एक करके एग्जीक्यूट होता जाएगा और फिर से ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, फिर से आपको आई एल वन, आई एल टू, आई एल थ्री, आई एल फोर तक मिलेगा। तो फिर से आउटर फोर लूप के पास आएगा, ये रन करेगा, आई का वैल्यू अब हो जाएगा टू से इंक्रीज होकर थ्री, ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये पूरा का पूरा फोर लूप आपका बंद हो जाएगा। ओके, इसके अंदर इस उसके बाद अगर इसके नीचे कोई कोड होता रेस्ट ऑफ द कोड, तो रेस्ट ऑफ द कोड आपको यहाँ दिखाई देता। अब इसको हम लोग एक बार फिर से इसका आउटपुट को देख लेते हैं जिससे कि हमें ये अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पहले आउटर फॉर लूप रन हुआ, उसके बाद इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, फिर आउटर फॉर लूप, फिर इनर फॉर लूप फाइव टाइम, फिर आउटर फॉर लूप, फिर इनर फॉर लूप फाइव टाइम। उसके बाद आउटर फॉर लूप बंद हो जाता है, इसकी वजह से ना तो आउटर चलता है और ना ही इनर चलता है। इसके नीचे अगर रेस्ट ऑफ द कोड हो, जैसे कि यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ लिख देते हैं, तो ये रेस्ट ऑफ कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए रेस्ट ऑफ द कोड दिखाई देता है। ओके, सो ये है हमारा नेस्टेड फोर लूप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।